हाय, न्यू ब्लॉग में आप सबका वेलकम दोस्तों। बट आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सब क्या कर रहे हो? आपका सुबह की मॉर्निंग कैसी है? आप सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मेरा तो काम फिनिश हो गया है, खाना भी बन गया, सारा काम भी हो गया और अभी खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। सब लोग अपने अपने काम से चले गए दोस्तों। और आप सब बताएं क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, आप लोग क्या करते हो? और जिन लोगों ने कमेंट भेजा है, भाभी जी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अच्छी बात है, फैन हो तो मेरे सारे फैन हैं, आप भी हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखा करिए और शेयर करिए और सबसे कह के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, इसके लिए थैंक यू। और एक फ्रेंड और भेजा था गुड इवनिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड, तो उसके लिए भी थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए हमारा वीडियो। और क्योंकि व्यूज नहीं जाते तो मन नहीं लगता। मेरे पता है मेरे व्यूज शॉर्ट वीडियो में एक भी नहीं जाते हैं, बस बताया था उस दिन आप लोगों को कि नहीं जाते हैं व्यूज, बहुत कम व्यूज जाते हैं। तो मुश्किल से आ जाते हैं वही 100-150, बस इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। कल वाला ब्लॉग दोस्तों मेरा नहीं गया, आप लोगों ने देखा नहीं है, कल डाला था तो इसमें भी विजी नहीं गए ज़्यादा, आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? अच्छा, आप लोग बताया करिए कि मैं एक तो बाहर जा नहीं पाती हूँ, कहीं बाहर घूमने जाऊँ तो फिर आपको वहाँ का ब्लॉग बना के डालूँ। दोस्तों, और आप लोग, अच्छा आप लोग बताइए आज खाने में क्या क्या खाया है, ठीक है? कमेंट में बताना आप लोगों ने कि क्या क्या आज खाया आप लोगों ने, क्या क्या बनाया है। और सब लोग तो वो काम पर गए हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे ननन के लड़के की तबीयत नहीं सही है तो कानपुर में भर्ती है, तो उन्हें को देखने के लिए गए हैं। और तो दोस्तों आप लोगों ने कल, मैंने वो आयुष का क्या बोलते हैं, भूल गए,
अरे याद ही नहीं आ रहा, वो जो बॉक्स दिखाया था आपको वो आप लोगों ने बताया नहीं कैसा लगा बाबू का, हमारी याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। आज दोस्तों मैंने कद्दू की खीर बनाई है, आप लोगों को पसंद है और आपको अच्छी लगे, बहुत अच्छी बनी, वो टेस्टी मैंने खाई है। अभी खाना नहीं खाया, वही कद्दू खीर खाई है और आप लोगों ने खाया है, कौन कौन खाया है तो बताना, किसने किसने नहीं खाया वो भी बताना, और जो लोग मेरा ब्लॉग देखा करते हैं प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे पता चले कि आप लोग देखते हो मेरा ब्लॉग। तो कद्दू पका हुआ था, पीला था जैसे आम की तरीके, अंदर काटता था तो पीला पीला था आम जैसा, फिर उबाल के छीन के उबाल के फिर उसको उबालने के बाद उसका पानी निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद घी डाला, घी के बाद उसको थोड़ी देर फ्राई किया, जब वही 6-7 मिनट फ्राई करने के बाद उसमें दूध डाल दिया, पानी और डाल दिया, चीनी डाल दिया, बस फिर उसको पकते रहा काफ़ी देर, जब पक गया गड्ढा हो गया पक गया तब खाया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मज़ा आ गया खाने में। आप लोग बनाना अपने घर में फिर बताना कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और दोस्तों मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना दोस्तों, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियो को और देखा करिए, प्लीज़ देखा करिए, आप सब आपसे रिक्वेस्ट है देखा करिए। दोस्तों बाय, अभी ब्लॉग में फिर मिलेंगे।